कल मौसी से ऐसे बात हो रही थी बैठ के, मतलब वो भी इतनी भावुक हो रही थी मम्मी वाली बात को लेके। आप लोगों को नहीं समझा सकती, तो इसीलिए हम जा रहे हैं बैठने पापा के पास। ये किसका धर्म है? जानी भरी कोठा का ऊपर कोठरी, ऊपर कारण आसाय कोठा का ऊपर कोठरी, ऊपर कारण आए मरुन जरिया में। जानी भरी कहे मरुन जरिया, कोठा का ऊपर कोठरी। बोल रही है कि गोलू बोल रही है नारियल के तेल के लिए, नारियल के तेल के लिए। नारियल तेल लगा दे, मल दे मैं नहीं मल दो, और एक नारियल का तेल ला के रख दे। हम चल बस हम नया वाले तो घर बने, वो भी दिखा दो रमेश जाके। देखिए बहुत ही खुफिया जगह पे जाकर बैठी है मेरी बहन। आओ आओ आओ, ये देखिए इनको पता नहीं क्या मच्छर मारने में मजा मिल रहा है। 1 लाख 2 लाख मच्छर छेक लिए जैसे मैं आई, यहाँ चढ़ के फूल तोड़ लेते। चलो आइए आपको और फूल दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखिए इतने सारे फूल और यहाँ पे ये बैठी है मच्छर मार रही है यहाँ पे। मच्छर मच्छर इनको काट रहे हैं पर ये हिल नहीं रही है। चलो आओ देखिए कौन से डिजाइन में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। आइए आइए आइए, इसमें एकदम ठंडा है लेकिन मच्छर है ना। मच्छर जो इतने मच्छर है आपको टांग ले जाएंगे। चलिए जा रहे हैं हम लोग दुकान पे। तो आज है हमारे जाने का दिन यानी घर जाने का, और मुझे ना खांसी जुकाम बुखार इतना ज़्यादा हुआ है ना, इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है। मैं लेके आई थी अभी मेला गई थी, मेला नहीं मतलब मैं घर पे गई थी उस वाले, तो उधर खजूली मिल रही थी तो मैं 1 केजी लेके आई थी 120 रुपये का। तो मैंने सबको दिया, सबने खा पी लिया हुआ है। और अभी लगता है गोलू प्रियंका कुछ बना रही हैं। पापा एक छोटी सी मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग इन द सेंस कि पापा बात करने जा रहे हैं लाइक कब आओगे, घर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जॉब शादी मतलब सब कुछ। एक होता है ना कि उसी के लिए मैं सबको बुला के लेके आई हूँ मेंटली प्रिपेयर्ड करके कि चलो भाई पापा बुला रहे हैं। तो ये बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास हमारे पापा हैं। बच्चों को कभी कभी लगता है ना कि हमारे पापा हमको डांट देते हैं, इतना समझाते हैं, इतना क्या, इतना भी क्या बोलना ये वो, लेकिन आप अपने आप को धन्यभाग मानिए कि आपके मम्मी पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो आपको अच्छा बुरा समझाते हैं। जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन उनकी कीमत समझ में आती है। आज मम्मी नहीं है तो उनकी कीमत कोई नहीं समझ सकता है हम लोग के अलावा। हमारी नानी भी नहीं है जहाँ तक अगर आपको नहीं पता होगा तो। मेरी मम्मी और मौसी, मेरी मम्मी दो ही बहन हैं, मेरे मामा भी नहीं हैं जैसे कि हम लोग बहनें हैं वैसे। कल मौसी से ऐसे बात हो रही थी बैठ के, मतलब वो भी इतनी भावुक हो रही थी मम्मी वाली बात को लेके। आप लोगों को नहीं समझा सकती, तो इसीलिए हम जा रहे हैं बैठने पापा के पास। ये किसका धर्म है? नानी का ली, नानी के लिए मौसी लेके आई। ये ना ये जो पानी ले आए हो? हाँ ला दिए। बड़का कहाँ है? कौन नाम है? मम्मी। सर बड़े हाँ वाह, नहीं नहीं वाह। तो हम आ गए हैं इस वाले रूम में, रात को यहीं पे हम लोग सब लोग खूब सारी बातें किए हैं। तो गरम गरम पकौड़ी का स्मेल आता हो, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इतना सारा बनल रहा खत्म हो गया, ले खा ले।
यहाँ पे बना है लौकी का, बिना लहसुन प्याज का ये बना है। लौकी कहाँ से आई है? तोरा कहीं से ले आ रही है? अच्छा, मेरे घर वाली लौकी है जो तोड़ के ले आई थी। बोलो, मस्त बनल बा, सब खा लेल बा, पिताजी बड़ी चाय बनल रही है, पीलू है। तो सब लोग खा चुके हैं और मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ, जाने का दिन है ना। हाँ, का हो? तो यहाँ पे देखिए दीदी बना रही है लौकी का भजिया। का बड़ी मी अच्छा कई बार तो हाथों ना चले ऐसे दे देनी हो, हाथों बचाने खाती देनी हो। देखिए सबके लिए हमने नाश्ता बना दिया अच्छे से, चाय सबने पी लिया, बस ये लास्ट का बचा हुआ है, एक बार और तलूंगी हो जाएगा सबके लिए। दादी को इतना पसंद आया कि वो दो तीन बार मांग मांग के खाई है। पर नानी गा रही है गाना, कोठा का ऊपर कुंडली, कोठा का ऊपर कोठरी, उस पर कहे मरलू न जरिया, जादू भरी कहे मरलू न जरिया, कोठा का ऊपर कोठरी, उस पर काला नाग है, कोठा के ऊपर कोठरी, ऊपर काला नाग है, काटे से मैं बच गए अपने सैया की भाग, कहे मरलू न जरिया, कोठा का ऊपर कोठरी। यहाँ पे मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा मतलब लाइक खराब है, तो मम्मा अभी रेस्ट कर रही है। अभी सुंदर कांड हुआ है उसमें भी मम्मा अभी रेस्ट ही कर रही थी, बिकॉज मौसी। और यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हो रही है तैयारी बिल्कुल बाटी चोखा। अरे मोरे भैया जी घर के लावटी जा, घर मोही देख लावे माई, घर मोही जिनी मोही गो घर यानी देखाई है, तीनों कहे मुनि ज्ञानी, गो घर मोही देख लावे माई। शर्ट खत्म हो गया तो बंद कर दो, दूसरा चालू करी। लक्ष्मण बिना चौपाई, राम बिना मोरी सुनी अजोध, लक्ष्मण बिना चौपाई, सीता वो छोट कुल लेके गई लो सान हो मेरे को बागी पर कुल काम करो। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं एक बहुत ही अनोखी जगह पे, तो आप सभी का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी करेली, और इधर देखिए धान फूट चुका है। और यहाँ पे हम सभी लोग जा रहे हैं नदी के किनारे। हमारे गांव में बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी नदी है। हाँ, नदी के किनारे बहुत प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। इधर ये है गन्ने का पेड़, हम लोग का खेत इधर है इस साइड में, ये चूरा लग धान हो चुका है। नदी है यहाँ पे, गन्नी है।